टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज मैं आपको ये सूट के बचे हुए कपड़े से, सलवार का बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं आपको 1.5 साल की बच्ची का फ्रॉक बना के दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं। ये देखिए, चोली के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं जिसकी लेंथ है 9 इंच और चौड़ाई है 12 इंच, 12 इंच चौड़ाई है और 9 इंच लंबाई है। ये 2 पीस हैं। ये सीधे से सीधा कपड़ा हमने मिला लिया है और इसको ये हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों कपड़ों को एक साथ। यहाँ पे हम इसका जो है तीरा लेंगे, तीरा 5 इंच, फिर यहाँ से जो हम मुड्डे की जो लेंथ लेंगे वो भी हम 5 इंच पे लेंगे, या आप 1/2 इंच बढ़ा दे बस, 5 या 5.5 इंच तक 1.5 साल के बच्चे के लिए। ये हमारा, यहाँ से हम इस लाइन को सीधी कर देंगे ऐसे, और इसमें ऐसे गोलाई देंगे। इसके बाद ये एक पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने दोनों को अलग अलग निकाल लिया है। ये आगे वाले हिस्से की हम थोड़ी सी यहाँ पे छटाई कर लेंगे। स्लीव लेस ये बना रहे हैं इसलिए यहाँ से ज़रा सी, ज़्यादा नहीं करनी है। बिल्कुल कोने से हमने 1/2 इंच छटाई ली है। अब इसका हम गला कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम यहाँ से ऊपर से हम जो है 2 इंच पे लेंगे, और इसकी जो लंबाई है, ये आगे वाला गला मैं कट कर रही हूँ, ये लंबाई हम लेंगे 3 इंच। इसको ऐसे हम गोल कट कर लेंगे। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, छोटा गला बनाना बिल्कुल तो ज़्यादा बड़ा नहीं है 3 इंच भी। ये हमने आगे का गला कट कर लिया है, अब हम ये पीछे का गला भी कट कर लेंगे। ये हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे और यहाँ पे हम इसको लेंगे 1.5 इंच पीछे वाले को। इसको यहीं पे हम गोलाई देके कट कर देंगे। और इसमें यहाँ पे या तो हम बटन पट्टी लगाएंगे या चैन लगाएंगे, इसको पूरा कट कर देंगे पीछे से इस तरह। ये हमारी ऊपर की चोली कट गई है, और नीचे ये घेर के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, ये देखिए 2 पीस में मैंने ये कपड़ा लिया है, ये 1, 2। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 20 इंच है और जो लंबाई है वो 12 इंच है। अब मैं इसको सील के दिखाती हूँ। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, इस पर हम दोनों साइड प्लेन कपड़ा है इसलिए ये उल्टे पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम इस पे जो है जिप लगाएंगे। ये देखिए, ये जिप का मेरा थोड़ा अलग कलर है, ये मैं बना के दिखा रही हूँ। आप सेम कलर की जिप लें। जिप को कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए, ये जिप को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे। ये हम सीधे कपड़े पे जिप रखेंगे। ये देखिए, जिप का नीचे ये रनर है, नीचे की तरफ आएगा और ये कपड़ा हमारा सीधा है। यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। जिप को बड़े ध्यान से लगाना है।
इसको हम ये देखिए ऐसे पलट लेंगे, ये जो हमारा अंदर की साइड जाएगा इस तरह, और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। आप इसमें बटन पट्टी भी लगा सकते हैं, और जब भी आप जिप लगाएं तो सेम कलर की लें। अब ये वाला कपड़ा हम ये सीधी तरफ है हमारी, ये सीधी तरफ ऐसे जिप पे रखेंगे और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ भी हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी जिप लग चुकी है, अगर आपकी एक्स्ट्रा जिप हो तो उसको काट दीजिए, मेरी ये साइज की जिप थी। अब ये हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने के बाद हम ये कपड़ा देखिए सीधा ऊपर की तरफ है, ये जिप को ऐसे खोल लेंगे और यहाँ से हम गले पे पट्टी लगाना शुरू करेंगे। पट्टी लगाने के लिए देखिए पट्टी को हम थोड़ा सा ऐसे आगे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे जिप की एक साइड से। नीचे वाले कपड़े को हम खींचेंगे और पट्टी को हम लूज रखते जाएंगे। ये मैंने जो पट्टी ली है ये उरेब पट्टी कट कर ली है। फिर यहाँ दूसरी साइड तक जब ये सिलाई फिनिश होगी तो हम थोड़ी सी लंबी पट्टी रख लेंगे और बाकी को काट देंगे। फिर इसको ऐसे ही फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको उल्टा करके हम यहाँ से इसको जैसे हम गले में पीछे की साइड पे पट्टी लगाते हैं उस तरीके से इसको हम अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तुरपाई भी कर सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से हम इसको जैसे पिछला गला करते हैं वैसे इसमें सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लेस लगाएंगे। लेस का आगे से हम ये एक साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम ये लेस लगानी शुरू करेंगे बैक साइड से। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हुए हम बाकी लेस को कट कर देंगे।
इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमारे गले पे लेस लग चुकी है। अब हम इसकी ये इसके मुड्डे की सिलाई कर लेंगे। मुड्डे के लिए भी मैंने ये पूरे पट्टी ली है, इसको हम यहाँ ऐसे रख के नीचे वाले कपड़े को थोड़ा खींचेंगे और पट्टी को हम लूज रखते जाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। ये पट्टी फोल्ड करने से पहले हम इसमें कहीं कहीं कट लगा लेंगे। मैंने कट लगा लिए हैं। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके ऊपर से किनारी से इस पट्टी के ऊपर हमें जहाँ सिलाई लगाई है वहीं पास में हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये आसानी से हो जाएगी। ये देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने ये बताया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये पट्टी आई है। अब इसके ऊपर ये लेस हम लगाएंगे। ये लेस मैंने क्रीम कलर की लेस ली है, जिग जैक वाली लेस मैंने ली है। लेस जब हम लगाएंगे तो हम धागा चेंज कर लेंगे। ये देखिए एक साइड मुड्डे पे हमने ये रेडी करके ये लेस लगा दी। इसी साइड हम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही ये मुड्डा तैयार करके ऊपर से हम लेस लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ ये रेडी कर लिया है। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे आगे वाले हिस्से को, बीच में यहाँ पे कट लगा लेंगे। इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जिप है तो बीच का वैसे ही पता है। और जो नीचे का कपड़ा हमने ज्वाइंट करना है उसको भी हम बीच में यहाँ कट लगा लेंगे। नीचे का हम ये एक पीस लेंगे, ये सीधा ऊपर की तरफ रहेगा और इसका सीधा नीचे की तरफ, सीधे से सीधा ऐसे मिला के हम सिलाई लगाएंगे। एक इंच डेढ़ इंच हम सीधा सिलाई करेंगे। इसके बाद इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट डालनी हमने ये कट से ये कट मिलाना है। नीचे घेर के लिए अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा चौड़ाई भी आप ले सकते हैं और इसमें धागा खींच के भी प्लेट डाल सकते हैं और वैसे बारीक बारीक प्लेट आप ऐसे डाल सकते हैं। अगर मोटी प्लेट डालनी है तो कपड़ा ज़्यादा लें। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम ये बारीक बारीक प्लेट इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हमारा कट से कट ऐसे यहाँ पे मिल गया है। अगर आप एक साथ प्लेट नहीं डाल सकते तो प्लेटें पहले डाल लें या फिर वो धागा खींच के जो डलती है वो डाल लें। मैं ये आपको कम टाइम में बने इस हिसाब से बता रही हूँ। एक डेढ़ इंच हम यहाँ भी सीधी सिलाई लगाएंगे और कपड़े को यहीं तक एडजस्ट करेंगे। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे।
ये जो सिलाई हम लगाएंगे ये चोली वाले कपड़े पे लगाएंगे और ये नीचे वाला जो कपड़ा है इसको इस तरफ रखेंगे। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर प्लेटें आई हैं। इसी तरह हम पीछे का हिस्सा भी जोड़ लेंगे। इसके बाद हम ये जो आगे वाला हिस्सा है इसकी चोली के ऊपर भी ये लेस अटैच कर देंगे। ये मैंने लेस अटैच कर दी है। इसके बाद हम इसको चाहे तो आप पीछे भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। और मुझे आप सबसे सॉरी भी मांगनी थी क्योंकि मैं जल्दी से आपके मैसेज के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। इसका भी एक कारण है, मेरे पास छोटी गुड़िया है जिसके चलते मैं बहुत जल्दी, आप लोग जो मैसेज भेजते हैं कि ये चीज़ बना के दिखाए वो बनाने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, सॉरी। सॉरी, ये उल्टी साइड है, हम सीधी साइड से ये सिलाई लगाएंगे। और मैंने ये बद्दी पहले बना के दिखाई हुई है, ये दो बद्दियाँ मैंने तैयार कर ली है इसमें लगाने के लिए। तो ये बद्दी यहाँ से अंदर से इस ज्वाइंट पे ये बद्दी लगाते हैं। ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई को डबल कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इसको ये ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे नीचे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए नीचे से मैंने ये एक इंच कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब हम एक साइड, ये जो सिलाई हमारी, इस सिलाई से ये मैं नीचे नहीं लगाऊंगी, जो मैंने सिलाई लगाई उस सिलाई के ऊपर मैं ये यहाँ से देखिए तकरीबन पौना इंच ऊपर में ये लेस अटैच कर रही हूँ। ये मैं पौना इंच ऊपर ये लेस मैं अटैच कर रही हूँ। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा लेस रखेंगे और बाकी की हम कट कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर इसको आगे से ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऐसे रख के इसमें सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ये मैंने राउंड में चारों तरफ ये लेस लगाई है, सिलाई को यहाँ पक्का कर देंगे। ये मैंने इसी कपड़े से ये फूल बनाया और उसमें एक वाइट कलर का बड़ा सा बटन मैंने लगा दिया है। इसको मैं ये फ्रॉक के बीच में यहाँ पे ऐसे अटैच कर दूँगी सुई से। ये सुई धागे से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए ये सलवार के बचे हुए प्लेन कपड़े से हमने किस तरह से ये रेडीमेड फ्रॉक तैयार कर दी है। 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए ये साइज़ परफेक्ट है। और इसमें ये जो मैंने बीच में बचे हुए कपड़े से ये फूल बना के वाइट बटन इसमें अटैच कर दिया है जिससे इसका लुक और भी अच्छा आया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर मेरा वीडियो, जैसे आप
कुछ भी मैसेज भेजते हैं कि ये बना के दिखाओ, अगर उसमें थोड़ा लेट होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, मैं बनाऊंगी ज़रूर, थोड़ा लेट लेट हो सकता है। थैंक यू।